यो विश्वात्मा विधिदिशयान् प्राश्चभोगानुष्टभीष्टान् पश्चाच्चन्यास्वति विभवान् ज्योतिषास्येन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि सकले स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसौनसुरीय अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद पर विचार करते हुए कल हम लोग दूसरा मंत्र तक पूरा किया। शुरू में भगवान भाष्यकार यहाँ कुछ उद्घात भाषण में ये ज्ञान का प्रकरण है, वेदांत का जो विषय है वही विषय है, परंतु यहाँ पे कर्म अथवा उपासना के बारे में कोई कथन नहीं है, सीधा सीधा तत्व निरूपण किया जाता है। इसके लिए अनुबंध चतुष्टय को भी दिखाया, क्योंकि मांडू को कारिता का नहीं दिखा है, यदि नहीं दिखाते लगता है कि इसका उपयोगिता नहीं है तो यहाँ उपयोगिता है उसको दिखाया। उसके बाद चार प्रकरण की विषय वस्तु को दिखाया, एक में आगम के सहारे मतलब श्रुति वाक्य के सहारे ये आत्मजीव ब्रह्म के एकत्व को प्रतिपादन करके दिखाया, और जगत के मिथ्यात्व से सिद्ध होता है तो उसको युक्तिपूर्वक द्वितीय खंड में दिखाया। इससे अद्वैत मिथ्या ऐसा शंका होने पर अद्वैत प्रकरण में वो पारमार्थिक सत्य ये दिखाया, और अलग शांति प्रकरण में इस अद्वैत सिद्धांत के विरुद्ध में जो अलग अलग वादियों के अलग अलग कथन है किसी के सिद्धांत पर विरोध नहीं है ऐसा दिखाया, और उसमें ये भी दिखाया ये वासनात्मक मन की वेग के कारण ही जगत की प्रतीति होती है। यदि आप इस वेग को रोक पाओगे, वासना की वेग कर दो तो शांत मन हो। जिस प्रकार अलात मतलब एक लोहे की माथे पे डंडे की माथे पे यदि आप आँख लगा करके घुमाते हैं, इसमें उसमें के आकार नहीं है, मतलब जब घुमाएंगे उसमें आकार हो जाता है, मतलब वेग से आकार आकृति की और उसका नाम भी हम देते हैं। इसी प्रकार वासनाओं की वेग से संसार चलते हैं और उससे संसार दिखाई भी देते हैं, उसको यदि हम रोक पाते हैं निर्वासना होते हैं तो ही जदा मर्त प्रभु चलते कामाजस्थिता अथवा मर्त अमृत भवत अत्र ब्रह्म संस्कृत। ये हमारी मुख्य सिद्धांत है, वासनाओं की नाश जहाँ आपकी मुक्ति। तो दो मंत्र में भगवान यहाँ पे पहला मंत्र की तरह क्या किया गया कि अभिधान अभिधेय में प्राधान्यता अभिधान अभिधेय ओंकार ओमिति एतदक्षण में सर्वोक ऐसा कथन करके ये दिखाया गया है कि जो ये अभिधान में प्राधान्यता दिया, और फिर बाद में कहता है सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म यहाँ पे अभिधेय में प्राधान्यता दिया। तो अभिधान अभिधेय नाम नामी वाच्य वाच्य जो अभिन्न होते हैं, और मतलब अभी सिद्धांत क्या है कि किसी वस्तु को समझाने के लिए जिसको बिना उसको समझाए नहीं जा सकते हैं वो वस्तु वालों अभिन्न हो रहे हैं। तो वस्तु हो गया एक रूप नाम के बिना समझाए नहीं जा सकते, इसलिए काल के बिना उसको समझाए नहीं जाते, सब अभिन्न तत्व है। जो भी काल के अंतपाती है वो भी ओंकार है, और जो काल से बाहर है उसको भी ओंकार के द्वारा निरूपण करते हैं, मतलब इसके बिना हमारा रास्ता नहीं है। आरोप किए बिना निर्गुण निराकार विशेष को हम समझा नहीं सकते, इसलिए दूसरा मंत्र बोला था कि ये सारा संसार जो भी वस्तु दिखाई पड़ता है ये सब ब्रह्म ही है। और पहले तो आपने अभिधान बोल के आया, बोलते हैं कि आपने पहले बताया नाम और नामी का भिन्न था, तो ब्रह्म क्या वस्तु है? सामान्य रूप से ब्रह्म क्या होता है? शाम वस्तु परक स्वरूप में दिखाई पड़ता है, मतलब किसी माध्यम से हमको वस्तु की ज्ञान होता है, परंतु ब्रह्म एक ऐसा वस्तु है जिसकी ज्ञान किसी के माध्यम से नहीं होता, अयम आत्मा ब्रह्म अपरक्ष रूप में अनुभूति मानते हैं, ठीक है ना। ये मुख्य रूप में ज्ञान भिन्नता है, और इस प्रकार इतना मात्र वाक्य हमारे लिए पर्याप्त था, परंतु सामान्य अधिकारी के लिए समझना थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए उसमें पाद की कल्पना की गई है ना। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, यहाँ पे चार पाद में तीन पाद कर्णात्मक है एक पाद कर्मात्मक है, मतलब तीनों के माध्यम से चल करके और चौथे को प्राप्त किया जाता है। वो चौथा कोई उससे अलग नहीं है, चौथा उस तीनों का अंदर अनुसूत रहते हुए भी तीनों की विकार के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको चौथा रूप में कहा गया है। उसमें अनुसूत है, भारी वस्तु नहीं है,
इस प्रकार से दो मंत्र का कथन होने के बाद आज हम तृतीय मंत्र में प्रवेश करेंगे, तीसरा मंत्र। तीसरा मंत्र शुरू करते हैं। अब देखिए भाष्यकार के लिए टीका का उपोद्घात दे रहे हैं। टीका में पहले आइए, फिर हम मंत्र में जाएंगे। आत्मनो नीर अवयवस्य पाद द्वयमपि न उपपद्यते पाद चतुष्टयं तु दूर उच्चारितम् इति आशं इति शंक्यते। आत्मा तो नीर अवयव वस्तु है, निष्कलक है, निष्कला रहित है, अवयव रहित है। तो आत्मनो नीर अवयवस्य अवयव रहित जो आत्मा है, उस आत्मा में तो दो पाद भी कल्पना नहीं हो सकता। दो पाद भी नहीं है तो आप चार कहां से बोल रहे हैं? नीर अवयव वस्तु में दो भाग भी नहीं हो सकता, चार भाग कहां से हो जाएगा? पाद द्वयमपि न उपपद्यते, दो पैर का भी युक्त संगत नहीं होता। तो पाद चतुष्टयं तु दूर उच्चारित होता है, चार पाद की बात तो बहुत दूर से ही वो मतलब निषेध हो जाता है, उसके लिए विचार ही नहीं करने का आवश्यकता है। ऐसा करके दूर उच्चारित इति शंकत, इसको मन में रखते हुए शंका उठाते हैं। हस्म दे कथम चतुष्पादम इत्ताह, इस आत्मा में चतुष्पाद तो कहाँ से आएगा? चार पाद पहले हो गया चतुष्पाद, और चतुष्पाद में रहने वाला धर्म चतुष्पाद्यम है ना, चार पाद पाद की धर्म वहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? वो तो निराकार निर्विशेष निष्कल है, उसमें पाद की धर्म कहाँ से आएगा? ऐसा शंका उठा। देखिए वहाँ पे एक नंबर और दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है ना। एक नंबर टिप्पणी बोलते नीर अवयवत्व श्रुति विरोध आशंकम अवतारयति। जो नीर अवयव से निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवत्तम निरंजनम अवयव रहित है, कला रहित है, इस प्रकार श्रुति से विरोध हो जाएगा। इसलिए बताए नीर अवयवत्व श्रुति विरोध आशंकम अवत, नीर अवयव श्रुति के साथ विरोध होगा, इस शंका को मन में रखते अवतरण करते आत्मन। फिर आया दूर उच्चारित, मतलब दूर उच्चारमिति संभवन पथातीतमिति अर्थ, संभवना के जो मार्ग है उस मार्ग से परे है ये संभवना पर दूर उच्च, मतलब संभवना ही नहीं है वहां पे। निष्कलम वस्तु में कहां का पाप की कल्पना कर रहे हैं? इस प्रकार शंका होने पर तब कहते शंका हो। अब देखिए आपने यहाँ पे प्रतिज्ञा वाक्य है, अरे हमारा मूल सिद्धांत है परमार्थ चतुष्पाद तो अभाव अभी, पारमार्थिक दृष्टि से चार पाद क्या पाद शब्द भी वहां पे प्रयोग नहीं होता, पाद शब्द भी प्रयोग नहीं होता। इसलिए बोलते हैं परमार्थ का चतुष्पाद तो अभाव या फिर पारमार्थिक दृष्टि से चार चार पैर रूपी धर्म पाद रूपी धर्म उसके अंदर अभाव होने पर भी काल्पनिकम उपाय उपेय भूतम है ना, काल्पनिक एक उपाय उपेय भूत है ना, उपाय हो गया माध्यम और उपेय हो गया गोल लक्ष्य लक्ष्य, इसको माध्यम बना करके मतलब मीन्स एंड द इफेक्ट मीन्स ऑफ द रिजल्ट ये बोलते हैं, जिसको माध्यम बनाकर वहां तक पहुंचना। काल्पनिकम उपाय उपेयभूतम मतलब तीन पाद हो गया उपाय और उसका उपेयभूत हो गया तुरीय, इस प्रकार से कल्पना करके यद्यपि उपाय उपेय भाव भी यहाँ पे नहीं रहता, उपाय उपेय भाव भी यहाँ पे नहीं है, वो केवल मात्र शुद्ध अंत कर्म प्रति अपने आप ही अभिव्यक्त होते हैं। इसे बोलते हैं काल्पनिकम उपाय उपेयभूतम, इसे बोलते हैं काल्पनिकम काल्पनिक पद लगाए, जो अध्यारोप अपवाद दोनों ही प्रक्रिया जो है आप जो है हमारे की दोनों ही काल्पनिक है, निषेध कर रहे हैं मतलब हम आप आरोप किया था इसलिए निषेध कर रहे हैं, परंतु ये कोई यथार्थ प्रक्रिया नहीं है जिसमें ऊपर कुछ आरोप होना संभव ही नहीं है, केवल मात्र समझाने के लिए हमने आरोप किया था इसीलिए हमको निषेध करना पड़ रहा है। और उत्तम अधिकारी के लिए अपने आप ही अंदर से स्फुरण होता है। ऊपर पाद चतुष्टय और विरुद्धम, इसलिए पाद चतुष्टय की कल्पना करने में कोई विरोध नहीं है, इति अभिप्रेत इसको मन में रखते हुए आद्यम पादम युत्पादयति, पहला पाद के बारे में कथन करते विस्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते भी और अपि विस्पष्ट रूप से नजदीक से प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ता है उपाय उपेय भूतम है ना, तो उसी को देखिए लिख रहे उपाय उपाय तत्र पादत्रयम् उपायभूतम् तुरीयम् च उपयभूतम् इति भाव। चतुष्पाद में तत्र मतलब इन चार पादों में तीन पाद हो गया उपायात्मक और चौथा पाद हो गया उपेयात्मक है ना, उपाय के माध्यम से उपेय में पहुंच जाता है। अब मंत्र में आ जाइए, कथम चतुष्पादम् इति आह है ना, अब मंत्र में आ जाइए। जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः जागरितो स्थानः बहिष्प्रज्ञः
सप्तांग एकनो विंशति मुखः सप्तांग एकनो विंशति मुखः स्थूलभुग्वश्वानरः स्थूलभुग्वश्वानरः प्रथमः पादः प्रथमः पादः जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनम विंशति मुखः स्थूलभुग्वश्वानरः प्रथमः पादः। ये जागृत स्थान मतलब जो आत्मा जिसके आप उपाय उपयभूत जो आत्मा जिसको बोध कराने के लिए हमें उपाय को अपनाया है वो जिस समय मतलब जागृत जागृत अवस्था में अभिमान करता है अभिमान करना आत्मविवेदी बोलेंगे वो जिसका अभिव्यक्ति का स्थान जागृत अवस्था मतलब जिस आत्मा को आप जागृत अवस्था में समझ सकते हैं जिस आत्मा की अभिव्यक्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है परंतु जिस समय वो जागृत अवस्था में उसका अभिव्यक्ति होती है इसकी जिस आत्मा को हम समझाना चाहते हैं उस आत्मा जागृत काल में जब अभिमान करते हैं अथवा जागृत काल में ही उसको जो क्या होता है कि वो उसकी अभिव्यक्ति होती है वो ये हो गया उसका जागृत स्थान जिस समय जागृत काल के जागृत विषय के माध्यम से जागृत मतलब जिस समय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि व्यापार करते हैं उस व्यापार के जिस समय होता है उस व्यापार के माध्यम से उस चेतन तत्व की जब अभिव्यक्ति होती है वो उसका जागृत स्थान है अवस्था उसी को अभिमान करना अब बोलेंगे यहाँ पे देखिए ये जो अभिमान नहीं तो क्या है ये अभिमान ऊपर से मानना अभी मतलब ऊपर चारों तरफ से मान था बिल्कुल मेजर अर्थ में आते हैं लुट प्रत्यय करके मान बनता है मतलब यू आर मेजरिंग योरसेल्फ एडिशन एडिंग समथिंग ओनली दैट इज अभिमान यू आर मेजरिंग योरसेल्फ एडिंग समथिंग ओनली एटमोलॉजिकली आप देखेंगे इसका ही अर्थ होता है आप इसीलिए यहाँ पे भगवान भास्करानंद जी बोलेंगे जागृत स्थान मतलब जिस समय वो शरीर इंद्र मन बुद्धि में अभिमान करके अपने को उतना ही मान के व्यवहार करता है वो उसका जागृत स्थान है उस समय उसका जो है अंग नहीं है उसका कोई फिर वो सात अंग वाले बन जाते हैं सात अंग वाले बन जाते जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ पहले है उस समय उसका जो ज्ञान होता है किस विषय में होता है बाहरी वस्तु संबंधित ज्ञान होता है बाहरी वस्तु मतलब किसके बाहर कमरे के बाहर शरीर से बाहर मन के बाहर और आइए भीतर एकमात्र शुद्ध आत्मा को छोड़कर सब विषय के अहंकार का भी ज्ञान होता है जागृत काल अहंकार भी आपका ज्ञान के विषय बन जाता है धीरे धीरे अंदर आइए तब पता रहेगा बाहर क्या बोलते हैं एकमात्र स्वरूप को छोड़ करके यही बहिष्प्रज्ञ अपने स्वरूप को छोड़ करके बाकी सबको जानते जागृत काल भी जानते जिस यद्यपि जानने वाले को दिखाई नहीं पड़ता परंतु जब जाना जाता है तो कोई ना कोई जानने वाला जरूर होगा नहीं तो आप जान नहीं सकते धीरे धीरे बाहरी वस्तु को मैं देखने वाला हूँ तो मैं बहिष्प्रज्ञ हो गया फिर इसके अपने शरीर को मैं देखता हूँ तो नहीं देखता तो मैं उसका भी कहना हूँ कहता हूँ फिर शरीर के बाद मन को भी जानता हूँ बुद्धि को जानता हूँ अहंकार को भी जानता हूँ हाँ इसीलिए जिस अपना यथार्थ स्वरूप को जब नहीं जानता है वही उसका बहिष्प्रज्ञ है यही बहिर्मुखता है ना इसी में जब तक हम शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके उसी को तुष्टि के लिए हम व्यवहार करते रहेंगे यही हमारी बहिर्मुखता फिर इस समय जो व्यवहार करते हैं तो बाहर में व्यवहार करते समय उसका कितना हाथ पैर होता है सप्तांग सात हाथ पैर अंग वाला होता है तो वहाँ पर हमें बोलेंगे कि सात अंग वाले में कौन कौन है सर आँख दाहिना पक्ष बायां पक्ष ये और धर और नीचे का स्थान अपने आप वर्ण सप्तांग सात अवयव वाले हैं सात अंग वाले हैं और फिर बोलता है एकोन विंशति मुखः विंशति से एक कम नहीं परंतु अब मैं आपसे पूछता हूँ अभी तक आप लोगों ने जो भी मूर्ति देखा कितना मुंह वाला मूर्ति को देखा आपने किसी का एक देखा किसी का दो देखा किसी का चार देखा किसी का पांच देखा किसी का छह देखा यहाँ तक किसी का दस देखा परंतु अपना 19 है ये हम नहीं देखा
हमको देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे मतलब एको न विंशति मुख, एक सामान्य व्यक्ति का होता है, चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्म होता है, शिव जी पांच मुख वाला, कार्तिक को छह मुख वाला, रावण जी दस मुख वाले थे, प्रत्येक उसके साथ है 19 मुख है, एको न विंशति मुख, 20 से एक कम है। वो भी बताएंगे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गया 19 मुख इसके अंदर है, क्योंकि ये सब मुख है, क्योंकि इसके माध्यम से भोग करते हैं। इस क्यों मुख बोला, जिसके अंदर हम खाते हैं ग्रहण करते हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, फिर पंच प्राण और मन बुद्धि चिंतन, एको न विक्षति मुख, अंतर पर विचार पाठ, इसको लेकर के 19 मुख हो गया। इस समय वो जिस विषय को भोग करते हैं वो स्थूल वस्तु को भोग करते हैं, अज्ञान है स्थूल भोग, स्थूल वस्तु को भोग करते हैं, क्योंकि बाहरी विषय को भोग करते हैं स्थूल भोग हो गया उसका, और वश इसका नाम क्या है, वैश्वानर है ना, विश्वानर है वो, वैश्वानर सारा विश्व, मतलब सभी के अंदर बैठ करके वो एक ही नर बोलेंगे, नरस्य विश्वानर, सभी में एक ही चेतन तत्व है, ये आत्मा का प्रथम पाद, ये आत्मा का पहला पाद है, पाद मतलब कल्पना किया जा रहा है, इसके माध्यम से चल करके जाना। मैं कल बताया था कि देखो विष्णु सहस्र नाम भी पहला सब शब्द है विश्वम, मतलब फिर विश्व मतलब जागृत अभिमानी चेतन, वही विष्णु तत्व को अनुभव कर सकते हैं। जब तक आप अपने प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तब तक अपनी व्यापकता आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, और जब वो विश्व विष्णु वशतकार हो और वो किसका छह गुण वाला है, ईश्वर जो है और भूत भव्य भगवत प्रभु, ये उसका प्राप्ति करने का समझने का आधार, मतलब अनुशासन के रूप में विद्यमान है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को चलाने वाला और अपने आप काल अतीत है। तो इस प्रकार से सामान्य अर्थ में बोल दिया, जागृत स्थान में अभिमान करने वाला वो चेतन, वो बाहरी वस्तु संबंध उसका ज्ञान होता है, मतलब स्वरूप भिन्न सब वस्तु का ज्ञान होता है, उसका सात अंग है और उसको मतलब इस अपनी विषय वस्तु का आहरण करने के उसके पास 19 मुख है और परंतु स्थूल वस्तु के भोग कर सकते हैं, इसका नाम है वैश्वानर। ये हो गया व्यष्टि में, व्यष्टि उपहित चेतन और समष्टि उपचेतन में इसी को विराट बोलते हैं, विराट बोलते हैं, ये हो गया वो आत्मा का विश्व, जो आत्मा का मतलब जो जिसको हम प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका पहला पाद, ये जीवात्मा का है ना 19 मुख सप्ताह, ये केवल जीवात्मा नहीं विराट आत्मा, मतलब विराट पुरुष हिरण्यगर्भ का भी यही है, एक वो समष्टि रूप में है, ये व्यष्टि रूप में, ये ध्यान दे, ये हमारी व्यष्टि को चल, जिस व्यष्टि को परिचालना करता है समष्टि। हमारे यहाँ वेदांतिक सिद्धांत में क्या है, पहले समष्टि है बाद में व्यष्टि है, सामान्य में पहले व्यष्टि है बाद में समष्टि है, इसका मतलब हिरण्यगर्भ का भी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय होता होगा, हाँ होता होगा ना, है वो ऊपर तो समष्टि रूप में है समस्त जीवों का। क्योंकि बात क्या है देखो, कि जब आप एक ही वस्तु के ऊपर कल्पना कर रहे हो, अधिष्ठान तो आप एक ही है, आप पहले आपने क्या किया ईश्वर कल्पना, माया ऊपर बीज बीज अवस्था आ गया, उसके बाद उससे जो समष्टि जीव की जो सूक्ष्म शरीर है, समष्टि इच्छा शक्ति, समष्टि ज्ञान शक्ति, समष्टि क्रिया शक्ति, ठीक है ना, समष्टि इच्छा शक्ति, समष्टि ज्ञान शक्ति, समष्टि क्रिया शक्ति, ज्ञान ज्ञान से इच्छा, इच्छा से क्रिया, ये सब हिरण्यगर्भ का रूप है, इसलिए वही जो सारा सृष्टि कर भगवान उसने भर दिया, ज्ञान भर दिया उसके अंदर, और फिर जो है वो विराट रूप में आए, इसीलिए व्यष्टि को चलाने वाला समष्टि होता है, व्यष्टि को चलाने वाला समष्टि होता है, इसीलिए व्यष्टि से समष्टि समझा जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मतलब, क्योंकि हमारे पास समष्टि पहले है, हमारे पास समष्टि पहले है, व्यष्टि बाद में है, इसलिए समष्टि के ऊपर व्यष्टि कल्पित है, समष्टि के ऊपर व्यष्टि कल्पित है, इसलिए ऐसा जो है यहाँ पे पहले दिखाया गया, ये है वैश्वानर आत्मा, वो है उस वो जिस जिस तत्व को हम समझाना चाहते हैं उसका पहला पाठ, पहला पाठ मतलब इसको यहाँ पे पाठ क्या है, कर्म विभक्ति का, मतलब इसके माध्यम से चल के जाओ तो शुद्ध आत्मा तक पहुँच जाओ। यहाँ पे बैठ करके यदि आप उपाधि को अलग कर पाएंगे तो धीरे धीरे शुद्ध आत्मा समझ में आ जाएगा, पर जो साधन आपका जागृत अवस्था में ही होता है, सुषुप्त में अथवा हमारा स्वप्न अवस्था में कोई साधन नहीं होता, जागृत अवस्था में बैठ कर सुषुप्ति में जाना कोई साधन, पर उसमें आप जगे रहेंगे
सुषुप्त में आपका बोध नहीं जाएगा, तो जागृत को एकदम सुषुप्त में जाते हैं तो अपना बोध रहेगा उसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो भाष्य में जागृत स्थानम अस्य जागृत स्थानम वो ग्रीष्म जागरण ही स्थान है इसका, जागरण स्थान है इसका इति जागृत स्थान है, ठीक है ना। तो इस समय क्या है, इस समय शरीर इंद्र मन बुद्धि व्यापार करते हुए चेतन अभिव्यक्त तो हो रहा है, जो चेतन को उस चेतन का ये जागृत स्थान है, उस चेतन का ये जगा हुआ स्थान है। ये जागृत स्थान अस्य अस्य मतलब आत्मन, इस आत्मा का ये जागृत में परमात्मा से अभिव्यक्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जागृत स्थानम शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकरण, स्थानम अस्य इति अभिमानस्य विषयभूतम इति अर्थ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को अगर आप समझेंगे, अब जो मैं बोला अभिमान मात्र क्या, ऊपर से मान्यता दे करके हम व्यवहार करते हैं। अब बताइए एक व्यक्ति यहाँ पे था, जो भी व्यक्ति था वो क्या किया कि पहले अपने को सामान्य एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर वकील माचा के कदम कुछ व्यापार करता, फिर उसके बाद क्या क्या उस मार्ग को छोड़ करके वो इस मार्ग में आ गया, तो फिर आपने को ब्रह्मचारी मानने लग गया, फिर आपने को मतलब सन्यासी मानने लग गया, फिर वेदांती मानने लग गया। इससे आत्मा में ये एक एक शुद्ध आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ, केवल एक अभिमान मात्र है। अभिमान कौन करता है, चिदाभास मन बुद्धि के धर्म को अपना मान लेता है। अभिमान कर करके एक व्यक्ति था, अब इस एक व्यक्ति ने वो पहले सामान्य घूमता था, अभी भी जो मूंगफली बेचता था, अब उसका कोई एक शब्द उसी को अच्छा लग गया तो उसको लेकर उसको बस नेता बना दिया, अब राजनीतिक नेता बन गया वो अभी अब कहते मैं नेता हूँ, पहले मैं क्या था, मैं बादाम बेचने वाला था, और अभी क्या हुआ मैं नेता बन गया। ये नेता क्या बना, एक मानसिक अभिमान मात्र, एक मानसिक अभिमान मात्र। अच्छा, शरीर अवस्था में परिवर्तन हुआ, मैं स्वस्थ था मैं बीमार हो गया, मैं बीमार था मैं स्वस्थ हो गया, शरीर में अभिमान करके बोलते हैं, मैं मूर्ख था कुछ नहीं जानता था पंडित पंडित हो गया मैं विद्वान हूँ, ये अभिमान है। ये बात कौन एक एक धर्मों के ऊपर मान्यता देकर, अभी मतलब आत्मा के ऊपर आरोप किया गया है जिन वस्तुओं का, उसके धर्म को अपने में मान्यता देकर के अपने को आई एम मेजरिंग माई सेल्फ विद द क्वालिटी ऑफ द लिमिटिंग एजेंट, दैट इज अभिमान। शब्द इतना सुंदर प्रयोग किया यहाँ पे भगवान भाष्यकार, जागृत स्थानम अस्य इति जागृत स्थानम, मतलब कहेगा स्थानम अस्य इति अभिमानस्य विषयभूतम, ये हमारे लिए अभिमान का विषयभूत होता है, विषय रूप में देखते हैं, ठीक है ना, अभिमान का विषय। यदि ये आप समझ जाएंगे जागृत को तो क्या हो जाएगा, आपकी हर मान्यता धीरे धीरे छूट जाएगा, हर मान्यता धीरे छूट जाएगा। ये स्थानम अस्य इति अभिमानस्य विषयभूतम, ये हमारे अभिमान का विषय होकर के दिखाई पड़ते हैं। अब आप देखिए हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी तो हमें दिखाई पड़ता है, ये सब हमारे अभिमान है, मन के धर्म है, बुद्धि के धर्म है, ठीक है ना, शरीर के धर्म है। फिर वो आपका कुछ और गुण आ गया, मैं अच्छा गायक हूँ मैं नायक हूँ, ये सब अभिमान सब अभिमान है ना। इसीलिए बोलते हैं जागृत में से बोलते हैं, सुषुप्ति काल में तुम्हारा ये अभिमान कहाँ जाता है, अब ये जो अभिमान है कैसे पता, सुषुप्ति काल में वही व्यक्ति पड़ा रहता है चाहे बिस्तर में हो चाहे जमीन में हो कुछ भी नहीं पता लगता मत रहता है, यानी कि जागृत काल में क्या उपाधि के साथ आत्मा करके उपाधि धर्म मानने का देकर अभिमान करके व्यवहार करता है, मैं ये हूँ मैं वो यही जो है अभिमान है। परंतु क्या हो गया वो उस समय क्या करते हैं उस बोलते देखिए, अब आगे बोलते हैं कि भाष्य में आया बहिष्प्रज्ञ, मूल में क्या शब्द आया बहिष्प्रज्ञ, मतलब बाहर संबंधित प्रज्ञा, बाहर संबंध हमें क्या दिखाई पड़ते हैं प्रज्ञा, हमारे ज्ञान तो अंदर ही नहीं वस्तु है, ज्ञान के बाहर वस्तु थोड़ी होता है, ज्ञान तो बाहरी वस्तु का ज्ञान होता है, बाहरी वस्तु ज्ञान की अपेक्षा रखता है, ज्ञान बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता। बाहर की वस्तुओं का होता है, बाहर की वस्तु, बाहरी वस्तु को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु ज्ञान बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि जिस समय सुषुप्ति काल में भी जब कोई भी नहीं रहता फिर भी उठ करके बोलता हूँ
क्या मैं कुछ नहीं जाना? ये कुछ नहीं जाना, एक जिसने जाना या कि ज्ञान है, कुछ नहीं जानने का भी तो जाना आपने, किसी ने कहा आपका ज्ञान का कभी परिलोक नहीं होता। अब जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बहिष्प्रज्ञ क्यों बोल दिया, प्रज्ञा तो अंदर होता है, प्रज्ञा तो अंदर का होता है, तो बाहर क्यों बोल दिया? तो प्रज्ञाया तावत, टीका में प्रज्ञाया तावत अंतरत्व प्रसिद्धे अयुक्तम इदम विशेषण। इसलिए जो विशेषण दिया गया ना बहिष्प्रज्ञ, प्रज्ञा तो अंदर का वस्तु होती है, टीका में ठीक है ना, प्रज्ञाया प्रज्ञा का तावत मतलब निश्चित ही अंतरत्व प्रसिद्धे, वो अंदर के विषय होता है, ये प्रसिद्ध है सबका। अयुक्तम इदम विशेषण, ये विशेषण है युक्ति संगत नहीं है। यदि आशंक वैचस्ते इसको मन में रखते व्याख्या करते हैं। अभी देखिए बहिष्प्रज्ञ व्याख्या करके आता है ना, बहिष्प्रज्ञ मूल में आया है, बहिष्प्रज्ञ भगवान भाष्य में कितना सुंदर शब्द लिखा, स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा जस्य स बहिष्प्रज्ञ। कहाँ तक लिया गया बाहर बहिर्मुखता देखिए, जब तक हम अपना शरीर इंद्र मन बुद्धि के तृप्ति के लिए व्यापार करते रहेंगे, बाहरी व्यक्ति नहीं केवल अपने ही, उस समय भी हमारी प्रज्ञता बहिर्बाहर होगा। बहिष्प्रज्ञ शब्द का अर्थ कर दिया स्वात्म व्यतिरिक्त विषय है ना, आत्मा को छोड़ करके बाकी जिस किसी वस्तु को भी हम जानते हैं वही हमारी बहिष्प्रज्ञता बहिर्मुखता है ना। विषय प्रज्ञा जैसे उस विषय में प्रज्ञा है जिसका, बाहर की हिमालय का भी ज्ञान है, नदी का भी ज्ञान है, अपना शरीर का भी ज्ञान है, अपने मन समझ बुद्धि समझ पा रहा है ये भी ज्ञान है, जिस अपने को छोड़ करके, यानी कि जानना विषय को जानना अलग है परंतु तो जानने वाले को अभी तक नहीं जान पा रहे। इसलिए आप बोलते हैं बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा जस्य स बहिष्प्रज्ञ, उसके यहाँ पे महा शब्द बहिष्प्रज्ञ बोला गया। तब यहाँ पे प्रश्न उठा है कि इस प्रकार विशेषण देना युक्ति संगत नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रज्ञा तो अंतर की होती है, बाहर का प्रकार कहाँ से होता है, ठीक है ना। तब उसको लेकर के देखिए टीकाकार, प्रज्ञाया स्तावत अंतरत्व प्रसिद्ध, प्रज्ञा निश्चित ही अंदर का विषय है, बाहर का वस्तु नहीं होता है वो। अयुक्तम इदम भीषण युक्ति संगत नहीं है, कौन सा भीषण? बहिष्प्रज्ञ भीषण, ये भीषण युक्ति संगत। आशंक वैचस्य व्याख्या करते हैं कि बहिर्विषया इव प्रज्ञा अभिद्या कृत अवभाषते इति अर्थ, ठीक है। बहिष्प्रज्ञ के बाद कमा लगा देना वहाँ पे, बहिष्प्रज्ञ मतलब सात्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा जस्य स बहिष्प्रज्ञ, ठीक है, ये कमा हो गया, फर्स्ट सेंटेंस पूरा स्पष्ट कर दिया। तब शंका उठाया प्रज्ञा तो अंदर की वस्तु होती है, अब बाहर कैसे बोल रहे? तब बोलते आप देखिए, बोलते हैं बहिर्विषय इव, आप देखिए स्वप्न में आप वस्तु को देखते हैं, ठीक है। अब स्वप्न में देखा हुआ वस्तु यदि मिथ्या है तो स्वप्न में देखा हुआ वस्तु की ज्ञान सही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसीलिए बहिष्प्रज्ञ इव, वहां पर समझ में आता है स्पष्ट, प्रज्ञा बाहर नहीं गया परंतु बाहरी वस्तु को अभिव्यक्त करती है, बाहर गया जैसे प्रतीति होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में जब वस्तु ही नहीं है तो तब वस्तु संबंधित ज्ञान यहाँ पे आएगा न तत्व रथ न रथ योगाना पंथानम अथ रथ, तो यहाँ पे तो अभावश्च रथादीनाम सूयते न्याय पूर्वक, पहला श्लोक आता अभावश्च चकार के द्वारा, वहां पर जैसे रथ रथ की अभाव है इसी प्रकार रथ के ज्ञान का भी अभाव है, वहां वस्तु ही नहीं है तो वस्तु ज्ञान कहां से होगा? यदि वस्तु मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है उस समय। यानी कि आप जो जरा सोचिए इस चीज को कि बाहर संबंधी जितना ज्ञान हमें हो रहा है सब उसकी जरूरी है, यदि वो निश्चय हो जाए तब क्या हो जाएगा? बाहरी वस्तु को जानने की इच्छा चला जाएगा, मिथ्या ज्ञान से क्या लेना, क्या काम क्या लेना। इसी भगवान भाष्य का, लेकिन पहले तो बहिष्प्रज्ञ शब्द का अर्थ कर दिया, अर्थ करने के बाद क्या बोलता है कि बहिर्विषय इव, ठीक से शांति को छोड़ना, बहिर्विषय इव विषय इव प्रज्ञा, वो बाहर विषय की प्रज्ञा क्यों होता है? अविद्याकृत अज्ञान के कारण बाहरी विषय हमारे सामने प्रतिभाषित होता है और उस बाहरी विषय को मैं देखता हूँ अपनी बुद्धि के द्वारा। तो जैसे बाहरी विषय नहीं है मुझे दिखाई दे रहा है जैसे स्वप्न में, वैसे ही यहाँ भी जागृत में भी ऐसे ही, ये वेदांती जागृत, क्योंकि अब पहले ही बोला मांडव्य को कार्य का जागृत सृष्टि हुआ ही नहीं, जैसे स्वप्न में सृष्टि नहीं हुई हमने मान लो, ठीक जागृत भी ऐसे ही है। तो
शुरू से उसी दिशा में ले जाएंगे शब्दों को, शुरू से उसी दिशा में ले जाएंगे। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते ही कैसा हमको लगता है कि नहीं नहीं तुम अभी माया निद्रा में सो करके स्वप्न देख रहे हो, तुमको पता नहीं है ये। इसीलिए बहिष्प्रज्ञ बोल करके भगवान शंका उठाए कि प्रज्ञा तो अंदर की वस्तु होता है, बाहर कैसे दिखाई दे रहा है, बाहर प्रतीति जैसा होता है, मतलब बाहर नहीं गया, बाहर है नहीं कुछ, एक ही प्रज्ञा पूर्ण व्यापक। इसलिए आप बोलते हैं बहिर्विषय एव प्रज्ञा, तो आया कहाँ से, अविद्यामृता, अविद्या से बाहर भाषता है, अभिज्ञता अब भाषते प्रतीति मात्र बहिष्प्रज्ञ। शंका उठा करके शंका को उत्तर दे दे। चार नंबर टिप्पणी में देखिए, चार नंबर टिप्पणी, वही इति तादात्मेन अंतरत्य अपि विषयतया बाह्यतम अविरुद्धम, स्वरूपभूत होकर के अंदर रहने पर भी बाहरी, क्योंकि बाहरी विषय को अभिव्यक्त भी यही चेतन कर रहा है, उस चेतन में जब प्रतिफलित होता है, जिस प्रकार बताओ आपका चेहरा यहाँ पे है, सामने एक दर्पण है, तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है चेहरा, बाहर दर्पण, और यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये दृष्टांत अगर समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा प्रज्ञा बाहर कैसे दिखाई दे रहा है। दर्पण में आप ये दर्पण, ये जो माया, माया की दर्पण, ये माया, यही अविद्या, ये क्या होता है कि आपको हमारे अंदर की वस्तु को हमसे भिन्न अलग करके दिखाते हैं, प्रज्ञा को अलग दिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि चार नंबर टिप्पणी, तादात्म्येन तादात्म्येन अंतरत्यपि, मतलब जब स्वरूप भूत होकर के दिखाई पड़ता है तब अंदर होते हुए भी विषयतया, विषय रूप में जब अभिव्यक्त, मतलब विषय को जब स्फुरित करते हैं तब बाह्यतम, वो बाहर रूप में बाहर जैसा प्रतीति होता है, और विरुद्ध है, इसमें कोई विरोध नहीं। अब विरोध क्यों नहीं है, जिस प्रकार दर्पण में अपने को आप जब देखते हैं तो अपने को कैसे देखते हो, बाहर देखते हो, दूसरी जगह पे देखते हो, बस यही हमको समझना है। यहाँ पे आपने मतलब ये दर्पण में दृष्टांत दिया शरीर को लेकर के, और दृष्टांत में कहाँ घटेगा, प्रज्ञा में, चेतनता में, है शुद्ध चेतनता में वो घटेगा। इसलिए क्योंकि आप देखो बाहर जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो परिच्छिन्न टुकड़ा टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है, चेतन क्या परिच्छिन्न हो सकता है, चेतन परिच्छिन्न नहीं हो सकता, तो उपाधि के माध्यम से वो परिच्छिन्न जैसा दिखाई पड़ता है। छोटा सा दर्पण में आपका पूरा चेहरा, क्या चेहरा उतना ही मात्र है, बस ये अब इसके दृष्टांत समझ नहीं आते। तादात्मेन अंतरत्यपि विषयतः बाह्यतम अविरुद्धम इति भाव इति शेष, ये वहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, कि विशेष की अयुक्तम इति विशेषणमिदम आशंक, अयुक्तमिदम विशेषणमिति आशंक व्याचष्टे, इसके आगे इतना मतलब जोड़ के अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब तादात्म रूप में वो हमारे अंदर रहते हुए भी बाहरी विषय को अभिव्यक्त करते समय बाहर है जैसे प्रतीति होती है, परंतु बाहर विषय पारमार्थिक है ही नहीं आत्मा को छोड़कर, परंतु ये भी एक भ्रांति प्रतीति मात्र है ना। इसलिए भगवान बोला बहिर्विषय इव प्रज्ञा अविद्या कृत अवभाषते, अर्थ अभी अज्ञान के कारण प्रतीति मात्र इसका विपरीत अर्थ है, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, ठीक है, चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या वस्तु है, अपनी चेतनता के द्वारा लक्षित होता है जो प्रज्ञा, चैतन्य, ठीक है, चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा, ठीक है ना, अपनी चेतनता के द्वारा, क्योंकि प्रज्ञा मतलब बोध, ये बोध कैसे, मतलब मैं कुछ समय अपने चेतनता से लक्षित होता है प्रज्ञा, चैतन्य लक्षणा प्रज्ञा स्वरूप भूता, वो क्या है, वही हमारा स्वरूप है, ठीक है ना। चेतनता के द्वारा लक्षित होता है जो प्रज्ञा, वही हमारा स्वरूप है, स्वरूप भूता, न बाह्य विषय प्रतिभाषते तस्य विषय, और ये स्वरूप प्रज्ञा जो है वो बाहरी विषय की अपेक्षा नहीं रखता, बाहरी विषय अपने को प्रकाशित करने के लिए हमारी प्रज्ञा की अपेक्षा रखता है। तो हमारी प्रज्ञा मतलब सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य अपने आप को नहीं कह सकता कि मैं सूर्य, सूर्य का प्रकाशक भी नहीं, सूर्य सूर्य सारा जगत की प्रकाशित करते हैं, परंतु दिया पर अवभाष को अपने को भी प्रकाश करता है, दूसरे को भी प्रकाश करता है, परंतु आप अपने को क्या है, स्थूल रूप में प्रकाश करता, मैं दिया हूं ये नहीं कह सकते। इसीलिए आप बोलते हैं चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूप भूता न बाह्य विषय प्रतिभाषते तस्य विषय अनपेक्षित, आपकी स्वरूप प्रज्ञा विषय की अपेक्षा नहीं रखता, परंतु विषय आपकी प्रज्ञा की अपेक्षा रखता है, नहीं तो विषय प्रकाशित नहीं होगा,
चैतन्य के द्वारा, हाँ चैतन्य के लक्षण के द्वारा लक्षित होता है, वास्तु शुद्ध नहीं तो प्रज्ञा तो बोल ही नहीं पाएगा, लक्षण के बिना तो आप बोल ही नहीं सकते, इसलिए चैतन्य रूपी लक्षण के द्वारा लक्षित होता है जो प्रज्ञा, वो है स्वरूप भूत है, उस प्रज्ञा कैसे है स्वरूप अंदर ही है, स्वरूप भूत मतलब अपने से बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर मतलब कहाँ से हो गया, अपने को छोड़ करके सारा सब बाहर है, वैसे प्रज्ञा में क्या बोला था आत्मा को छोड़ करके सारा बाहर है, तो इसलिए क्या है ये स्वरूप भूत प्रज्ञा मतलब स्वरूप भूत है, वो जो है मतलब अपने अहंकार से लेकर के बाहर सभी वस्तु को जानने के लिए उसकी अपेक्षा है, परंतु वो इन सब की अपेक्षा नहीं रखता, वो इन सब का अपेक्षा नहीं रखता। जब अभी ये समझ में आएगा, मतलब जिस समय धीरे धीरे अंतर्मुखी होगा आत्मनिष्ठ होगा, तब पता लगता है कि किसी की अपेक्षा किए बिना ही हम अपने में पूर्ण हैं। इसीलिए देखो भगवद गीता में जहाँ जो चल रहा है, नहीं बतस्य कृते नार्थना कृते न कष्टन, बाहरी किसी भी भूत उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे आपने पहले कहा कि दर्पण है, तो दर्पण माया है, दर्पण के स्थान में माया अथवा अज्ञान को रखने से अंतकरण उसका कार्य है, अज्ञान के कार्य है अंतकरण, स्वाभाविक है अंतकरण इंद्रियों के बिना को कैसे जाएगा बाहर, बाहर जो विषय देखते हैं वो तो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, सीधा सीधा नहीं जा सकते, वो तो माध्यम किसे ही जाता है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, परंतु वो विषय आपका कि हमारी चेतनता के हमारी प्रज्ञा के बिना विषय का प्रकाश नहीं है, परंतु हमारी अंतस्वरूप जो प्रज्ञा वो विषय का अपेक्षा नहीं है, ये होते हैं चैतन्य। ये तो स्वाभाविक है कि ये चैतन्य यद्यपि एक ही प्रज्ञा जो कुछ विषय को प्रकाश करने के लिए जिस शब्द स्पर्श रूप स्थान विषय है, तो जिस विषय को प्रकाश कर रहे उस इंद्रिय और मन के सहारा लिए बिना हो नहीं सकता, परंतु जिस समय उसको प्रकाश नहीं कर रहा है, जिस समय उसको प्रकाश नहीं कर रहे हैं उस समय उस विद्यमान वस्तु का भी उसी चेतन को परिकल्पित है, जिस समय मैं इस वस्तु को नहीं जान रहा हूँ विद्यमान है वहां पे, उस समय वो किसके ऊपर टिका हुआ है, उस समय सुषुप्ति काल में सारा वस्तु आपके अंदर बीज रूप में लय प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर ही होना बीज रूप में रहता है वो, हाँ अभिव्यक्त होता है वहां से, यही यहाँ पर समझ में है कि आप 5 नंबर टिप्पणी में लेके आप बोलते हैं ये प्रतिभाषते, टिप्पणी किसके ऊपर है हमारे पुराने पुस्तक प्रतिभाषते के ऊपर है वो, चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूप होता ना बाह्य विषय प्रतिभाषते तस्य विषय अनपेक्षित है ना, वहाँ पे 2 टिप्पणी 5 और 6, 5 नंबर बोलते हैं प्रतिभाषता नाम बहि जड़ा प्रज्ञा, ये जो बाहर प्रज्ञा जो दिखाई पड़ रहा है ना ये प्रतिभाष है, दर्पण में जो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है वो चेतन जैसे दिखाई तो पड़ता है, वास्तविक वहां पे चेतन अधिक, इसलिए बाहर जो प्रज्ञा में प्रतीति हो रही है वो प्रतीक मतलब जड़ा जड़ा प्रज्ञा प्रतिभाषता नाम बहिर् जड़ा प्रज्ञा है, ठीक है ना, सामान्य उक्ता तो अजड़ा अपि, और सामान्य दृष्टि से हमारे अंदर जो रहता है विशेष रूप में प्रज्ञा जब दिखाई पड़ते हैं जड़ प्रज्ञा, और जब सामान्य रूप में तो चेतन प्रज्ञा, अद्भुत है, समझ में आ रहा है आपको, हमारी प्रज्ञा मतलब हमारी चेतनता रूपी बोध वो जब विशेष रूप में दिखाई पड़ता है तब जड़ रूप में दिखाई पड़ता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो शुद्ध जड़, आप बताओ अपने को चेतन मानते हो जड़ मानते हो, सोचिए आपका चेतन था कि कितना शुद्ध है, उसको प्रकाश करते हुए हमारी शुद्धता की कोई हानि नहीं होती, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रतिभाषता नाम बहिर्जड़ा प्रज्ञा इति सामान्य उक्ता तो अजड़ा अपि किम तथा यदि कथा, ठीक है यदि ऐसा हुआ तो क्या लाभ अथवा नुकसान हुआ, प्रश्न कथम इति रेक इति उद्भवति, तो फिर शंका क्यों होता है, कथम इति तो वहाँ पे जो है ना रेक मतलब यहाँ पे ना रिच धातु है उससे बनता है रेक, फर्स्ट कॉन्जुगेशन आत्मनिपति धातु है रेक शंकायाम, फर्स्ट कॉन्जुगेशन आत्मनिपति धातु है रेक शंकायाम, शंका रेक मतलब शंका का उद्भव कैसे हो रहा है, तब जब स्वरूप भूत होकर के हम चेतन हैं किम तथा यदि तथा यदि ऐसा स्थिति है तो उससे लाभ नुकसान को है, कथम इति मतलब कैसे फिर हमें उल्टा लगता है, बाहरी वस्तु को भी चेतन जैसे दिखता है इससे क्यों शंका क्यों होती है, हम आप लोग नहीं समझ पाते क्यों नहीं, यही माया की, क्योंकि अभी तक हमने अंदर देखना नहीं सीखा, हमने बाहर ही देखना सीखा, इसीलिए हमें परिच्छिन्न और जड़
चैतन्य अनपेक्ष चैतन्य लक्षण प्रज्ञा स्वरूप भूतान बाह्य विषय प्रतिभा विषय अनपेक्ष फिर आगे बाह्य विषय वस्तु तो अभावात इतिहास ये देखिए बाहरी जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं है ना वो वस्तु जो है वस्तु के पारमार्थिक अभाव है पारमार्थिक वस्तु के अभाव है और तो ध्यान रखना हम जो है शून्यवादी बौद्ध जैसा नहीं है विज्ञानवादी अथवा शून्यवादी जैसा नहीं है बाहरी वस्तु नहीं ये बात नहीं है हम बाहरी वस्तु अधिष्ठान के ऊपर कल्पित है बाहरी वस्तु अधिष्ठान के ऊपर कल्पित है इसीलिए क्या होता है अधिष्ठान के ज्ञान से बाहरी वस्तु मतलब मिट जाती है जब तक अधिष्ठान की ज्ञान नहीं तो तब तक बाहरी वस्तु की प्रतिभाषता है और बौद्धवाद ये नहीं मानते सारा शून्य ही मानते हैं शून्य के ऊपर कभी भ्रांति नहीं होती हम जिसको ब्रह्म बोल रहे हैं उसको शून्य बोलना तो कोई विरोध नहीं है जिसको जिस अधिष्ठान को हम ब्रह्म बोल रहे हैं उस अधिष्ठान को तुम शून्य बोल रहे इससे हमारा विरोध नहीं है ये शून्य मतलब कुछ भी नहीं है तो ये नहीं होता इसीलिए हमें बोलना है ये नहीं समझना कि बाहर कोई विषय नहीं है बाहर विषय नहीं है मतलब बाहर भी शुद्ध चेतन है विषय उतने प्रतीति मात्र तब क्या हो जाएगा अपनी व्यापकता समझ में आ जाएगा जहां तक भी आपका मन जाएगा वहीं पे मैं रूप में स्फुरित होगा जहां कहीं भी ये व्यापकता विभू क्या आप समझेंगे कैसे अपनी विभुत्व को समझेंगे कैसे धीरे धीरे आत्मचिंतन करते करते ऐसा स्थिति आपको आएगा जहां कहीं भी मन पहुंच रहा है वहां पे वो रूप में स्फुरित नहीं होगा मैं रूप में स्फुरित होगा तब मैं व्यापक ठीक है इसलिए आप बोलते हैं कि बाह्यस्य च विषयस्य वस्तुत अभावः बाहरी विषय का पारमार्थिक दृष्टि से अभाव होने के कारण यदि आशंका उसी को मन में रखते भगवान का बहिर्विषय इव इति अर्थ बाहरी वास्तविक नहीं है परंतु बाहरी वस्तु की प्रतीति होता है जैसा इसलिए बहिर्विषय इव प्रज्ञा अभिन्ता प्रीता अज्ञान के कारण अवभाषते मतलब प्रतीति मात्र होते हैं इति अर्थ इसका विपरीत आगे देखिए इसको समझा है ठीक है न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय इष्यते देखिए दिस मेन इंपॉर्टेंट थिंग स्वरूप प्रज्ञा कभी भी बाहरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय न इष्यते ठीक है बाह्य विषय न इष्यते ये न शुरू में नहीं है ये छोड़ना नहीं होगा आप तो उसी से अन्य होगा तो नौका क्लियर कर के साथ अन्य का बताएगा बाहरी स्वरूप प्रज्ञा पारमार्थिक दृष्टि से कभी भी बाहरी विषय का अपेक्षा नहीं रखता यदि स्वरूप प्रज्ञा बाहरी विषय का अपेक्षा रख कर सुषुप्ति में आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो पाता ये बात बुद्धिवृत्ति रूपा तो असो अज्ञान कल्पिता तद विषय भवती बुद्धि के वृत्ति रूप में जब हमको भेद देखने लगता है बुद्धि वृत्ति रूपा तो असौ यही प्रज्ञा अज्ञान कल्पिता जो अज्ञान के द्वारा कल्पित होता है तब तक विषय भवंती वो क्या होता है विषय रूप में सामने दिखाई प्रज्ञा का विषय बन जाता है बुद्धि के वृत्ति के साथ जब है उस वस्तु का दिख रहा बोला बुद्धिमान इंद्रियों के माध्यम से जब देखते हैं तो वो क्या होता है प्रज्ञा का विषय बन करके प्रज्ञा को परिच्छिन्न करके दिखाता है प्रज्ञा का विषय बनता है वो और प्रज्ञा को परिच्छिन्न करके दिखाता है ये वो आप देखिए आप फिर दोबारा देखिए पंक्ति को न स्वरूप प्रज्ञा वस्तु तो बाह्य विषय इष्यते स्वरूप प्रज्ञा बाहरी विषय की अपेक्षा नहीं रखता परंतु बुद्धिवृत्ति रूपा तो प्रज्ञा जो बुद्धिवृत्ति रूप में ज्ञान है मतलब इसको जाना उसको जाना ये देखिए परिच्छिन्नता है ना बुद्धिवृत्ति रूपा जो प्रज्ञा होता है रूपा तो असु अज्ञान कल्पित है ये सारा अज्ञान से कल्पित है कहाँ तक अपने अहंकार में परिच्छिन्न तद विषय भवति उसका विषय बन जाता प्रज्ञा का विषय बन जाता परिच्छिन्न होकर के न च सा अपि वस्तु तो तद विषयतां अनुभवति वास्तविक आप देखिए ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीकाकार जो है ना हजार बात को सिद्ध जिस प्रकार जहाँ पे वस्तु नहीं है वस्तु का ज्ञान होता है स्वप्न काल में तो वो ज्ञान सही है कि नहीं उस समय जो स्वप्न काल में कुछ भी नहीं है ज्ञान वहाँ पे मतलब ज्ञान हो रहा है परंतु ये मतलब प्रज्ञा आपका परिच्छिन्न कभी भी नहीं हुआ बोलते हैं यहाँ पे न चाहे सापि वास्तु सापि प्रज्ञा वस्तु जो तक विषयतम पारमार्थिक उस विषय का तो कभी भी अनुभव नहीं करता क्योंकि विषय तो है नहीं वहाँ पे ये जो खट बुद्धि पट बुद्धि मठ बुद्धि हिमालय बुद्धि ये बुद्धि है नहीं वहाँ पे तो क्या बुद्धि होगा इस जैसे स्वप्न काल में देखते ऐसे ही हुआ स्वप्न में सारा वस्तु देखकर उस समय क्या लगता है हमको
विषय को उत्पन्न करता है, फिर विषय को भोग करते हैं, फल को अहंकार लगते हैं, सब दिखाई दिखाई पड़ते हैं हमको। यहाँ भी ऐसा ही है, प्रज्ञा स्वरूप बुद्ध चैतन्य दक्षिणा प्रज्ञा, वो विषय के साथ कभी परिच्छिन्न हुआ नहीं, क्योंकि बाहरी विषय है नहीं, वहाँ पे सात्विक वस्तु जैसे नहीं है, उसका ज्ञान होता है। ऐसे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, शुरू से ही अजातवाद के ऊपर कितना देखिए, मतलब भारी जगत के प्रति विचारवाद सिद्धांत को कैसे प्रकरण है, अजातवाद को सिद्धांत न जा साफ प्रज्ञा वस्तु तो बस परमाटी तब विषयता, मतलब जो बाहरी प्रज्ञा की विषय अनुभव तो उसको अनुभव नहीं कर सकता, तो है नहीं वहाँ पे वस्तु तो स्वयं अभावात, क्योंकि बाह्यस्य वस्तु तो स्वयं अभावात, बाह्यस्य विषयस्य वस्तु तो स्वयं अभावात, बाहरी विषयों का पारमार्थिक दृष्टि से अभाव होने के कारण ठीक है ना, दिखाई क्यों पड़ता है, अज्ञान से दिखाई पड़ता है, अज्ञान से दिखाई पड़ता है, इसलिए बोलते हैं वस्तु तो स्वयं अभावात बाह्यस्य विषयस्य काल्पनिकत्वात, ठीक है ना, बाहरी विषय का दिखाई क्यों पड़ता है, कल्पना कर लिया अपने मन में, अतः तद विषयत्म प्रातिभाषिकम इति अर्थ, इसलिए वहां पे जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं वो प्रातिभाषिक। देखिए सामान्य वेदांतिक पुस्तक में आपको तीन सत्ता मिलेगा, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता। मांडू को कारिका में बाहर व्यवहारिक सत्ता ही नहीं है कुछ, दो ही सत्ता, क्या सत्ता, एक पारमार्थिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता, तभी तो जगत का मतलब सिद्ध होगा। व्यवहारिक मर्यादा को रक्षा करने के लिए कहीं कहीं किसी ग्रंथ ने हमने व्यवहारिक सत्ता को माना, परंतु मांडू को कार्य का बिल्कुल प्रातिभाषिक सत्ता शुरू से शुरू कर दिया। इसीलिए आप बोलते हैं वस्तु तो स्वयं अभाव, पारमार्थिक दृष्टि से उसके अभाव होने का बाह्य विषय से काल्पनिक, बाहरी विषय से कल्पना होने कारण अतः तक विषयत्म प्राति, इसीलिए वहां पर जो विषयत्व धर्म दिखाई पड़ता है वो प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र से प्रतिभाषिक, मतलब प्रतीति मात्र से पारमार्थिक वहां पे नहीं है, ये प्रतिभाषिक है। सात नंबर टिप्पणी बोलते हैं यहाँ पे, अच्छा अनपेक्षित था, मैं छह नंबर टिप्पणी को नहीं पढ़ा था, अनपेक्षित जनक विधया इति अर्थ, वो हमारी प्रज्ञा को उत्पन्न करता है, इसका अपेक्षा नहीं रखता, अनपेक्षित कहाँ पे देखे ना कि प्रतिभाषा विषय अनपेक्षा, प्रज्ञा विषय की अपेक्षा नहीं रखता, मतलब प्रज्ञा को समझने के लिए विषय की अपेक्षा नहीं है, इसलिए जनक विधया मतलब विषय जनक हो जाएगा, किसका प्रज्ञा का है, इस विषय में अपेक्षा प्रज्ञा इसका अपेक्षा नहीं रखता, पुत्र उत्पत्ति के लिए पिता की अपेक्षा रखते हैं, मतलब प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए विषय की अपेक्षा नहीं है, प्रज्ञा हमारा स्वरूप, इसलिए होता है जनक विधेय वृत्ति रूप प्रज्ञा स्तु, परंतु वृत्तियात्मक जो प्रज्ञा स्वरूपभूत प्रज्ञा कभी भी बाहरी विषय का अपेक्षा नहीं रखता, परंतु वृत्तियात्मक प्रज्ञा क्या है, बाहरी विषय, क्योंकि बाहरी विषय संबंध वृत्ति होती है, घर पट मठ मकान दुकान हिमालय नंगा, ये बाहरी वृत्ति विषय है, इसलिए आगे बोलते हैं कि न वृत्ति रूप प्रज्ञा तो तद विधया, मतलब कि वो जो जन्य अथवा प्रज्ञा अथवा ज्ञान तद अपेक्षा है, उसका अपेक्षा रखता है, किसकी, विषय का, वृत्ति रूपी प्रज्ञा विषय की अपेक्षा रखता है, परंतु सर्वभूत प्रज्ञा विषय की अपेक्षा नहीं रखता, वृत्ति रूप प्रज्ञा समझ में नहीं आ रहा आपको, हाँ वृत्ति से जो ज्ञान होता है, मैं इसको जानता हूं, इसके साथ जो ज्ञान का बोध हो रहा है वो तो विषय के सापेक्ष में हो रहा है, परंतु जिस समय कोई भी विषय नहीं है फिर भी आपका बोध होता है, आपको ध्यान में देख लो, तो इसलिए आप बोलते हैं कि वृत्ति रूप प्रज्ञास्तु तद विधया, उस रूप से मतलब जन्म रूप में तो प्रज्ञा ज्ञान रूप में तद अपेक्षा विषय अपेक्षते अपेक्षते विषय का अपेक्षा रखने पर भी, और जो है स्वरूप प्रज्ञा किसी का अपेक्षा नहीं रखता, तद विपरीत इसी प्रज्ञा से भारी विषय अभिव्यक्त होते हैं। सात नंबर अत इति बुद्धि तद विषयस्य च वस्तुत अभाव, बुद्धि का आप देखिए अभी तक तो विषय अभाव बोल रहा था, आप कहे अंतकरण भी तो कल्पित है, अंतकरण के चार भाग है, अनुभूति चेतना तो बुद्धि भी तो कल्पित है, इसलिए बुद्धि से जो आपने बंधन मुक्ति मुक्ति में मुक्त हो गया मैं बंधन, ये सारा कल्पित है, अजातवाद के ये देखिए मतलब सिद्धांत को शुरू से ही कितना पक्का करके आप करने शुरू करेंगे, ये टीका टिप्पणी का सब मिलकर के भाष्यकार की पंक्ति को बुद्धि तद विषयस्य च, बुद्धि केवल बुद्धि, ये जो आपने विषयात्मक प्रज्ञा बुद्धि के विषय है, परंतु बुद्धि और बुद्धि का जो विषय दोनों ही वैदांतिक सिद्धांत के अनुसार उसका विषय ये कल्पित है, बुद्धि तद विषयस्य च वस्तु तो अभाव, पारमार्थिक उसका अभाव है, पारमार्थिक उसका अभाव होने के कारण,
उनका अब तक कर्म कल्पित है। अब मैं आपने बोला ना कि अविद्या के ऊपर कल्पित है अंतकर्म, अविद्या का पहला काम होता है अंतकर्म। इसीलिए यहाँ पे इसको समझना ठीक है। सात नंबर टिप्पणी में कहते हैं स्वरूप हाँ कि वस्तु तो स्वयं अभावा बाह्य विषय से काल्पनिक अतः इसलिए तद विषयत्म प्रातिभाषिक, क्योंकि वस्तु वस्तु ही नहीं है तो वस्तु संबंधित ज्ञान जिस बुद्धि में हो रहा है उसकी क्या आवश्यकता है, और आत्मा को समझने के लिए बुद्धि काम नहीं कर सकती है। इसलिए जो है शुद्ध चेतन प्रज्ञा जो है वही हमारा स्वरूप है, वास्तविक पारमार्थिक व्यवहारिक वस्तु के ऊपर प्रतिभाष मात्र है। इसलिए आप बोलते हैं कि तद प्रातिभाषिक हमें कहते हैं। तो यहाँ पे पहला विशेषण हो गया आपका कौन सा कि बहिष्प्रज्ञा, पहला विषय। दूसरा विषय क्या दिया सप्तांग सात अंग है उसका। तो पूर्वेन विशेषणेन विशेषणांतरम समुच्चिनोति, तो एक विशेषण दिया बहिष्प्रज्ञा, दूसरा विषय क्या दिया सप्तांग, इसके साथ इसको जोड़ते समुच्चिनोति, इसके साथ इसका जोड़ते हैं ठीक है। अब आ जाइए भाष्य में, तथा सप्तांगानी अस्य, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। बहिष्प्रज्ञा जिसका सात अंग है, जिसका मतलब इसको समझाना किसका आत्मा का, यहाँ पे सात अंग के साथ जिसको दिखाई पड़े सात अंग से जो दिखाई पड़े, तथा सप्तांगानी अस्य, ऐसे पता लगा आपका इस आत्मा का सात अंग है। बोलते हैं विराट पुरुष के ऐसे वर्णन वैष्णव उपासना में आए हुए छांद गोपनिषद पंचम अध्याय वैष्णव उपासना में ऐसा वर्णन है विराट पुरुष का। उसे बोलते हैं तस्हवा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजा चक्षुर विश्वरूपः प्राण पृथक वर्म आत्मा संदेहो बहुलो वस्तुरेव वस्तिरेव रहि पृथ्वी एव पादौ इति पादौ इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आह्वनीयो अग्निर अस्य मुखत्वेन उक्त इति एवं सप्तांगानि यस्य स सप्तांगः ठीक है। तस्य हवा एतस्य उस इस विराट पुरुष तस्य बोल रहा है जो शुद्ध आत्मा, और एतस्य मतलब अभी जो विराट रूप में दिखाई पड़ रहा है। तस्य हवा एतस्य उस विराट आत्मा एतस्य आत्मन जिसमें तेज बहुत प्रतिष्ठ तेज है। आप देखिए हमारे मतलब शरीर के अंगों में कोई भी काम करने के लिए वो काम आपका शरीर में कहाँ पहले पूर्ण होता है, सृष्टि में भी विराट पुरुष की सृष्टि में भी उसका पहले सुतेजा क्यों बोला, क्योंकि सबसे तेजस्वी वस्तु है प्रकाशी वस्तु है। द्युलोक को जो बोल रहे हैं ना द्योतनाथ द्यू स्वयं प्रकाश तेज रूप है, इसलिए होता है मूर्ध है श्रुति होता है सृष्टि के भी सबसे पहले उसकी बुद्धि में आए। चक्षु विश्व रूप मतलब अनेक प्रकार के रूप जो है ना आँख क्या है आदित्य चंद्र सूर्य चक्षु शिव दो इसका चक्षु को यहाँ पे उनका आँख आ गया है। और मुंडक उपनिषद में आए कि दस्य मूर्धैव श्रुतया द्युलोकभिः चंद्र सूर्य चक्षुषी दिशो श्रोत्रे वाग् विवृतस्य वेदा, इस प्रकार से वर्णन आया है मुंडक उपनिषद में। आँख सूर्य और चंद्र का दो आँख है, यहाँ पे बोलते हैं चक्षुर विश्व रूप मतलब क्या हो गया, जितना सारे रूप दिखाई पड़ रहे हैं ना रूप किससे देखते हैं आँख से देखते हैं, इसलिए वो जो है विश्वरत्मा का आँख है। प्राण पृथक वर्म आत्मा ये जो वायु कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में भिन्न भिन्न दिशा में जब पृथक वर्म अलग अलग मार्ग वाला होता है ना वो जो मतलब वो विराट पुरुष का ये सृष्टि में अलग अलग दिशा में वायु बहते हैं ना वो वायु वायु विराट पुरुष का प्राण है। हमारा प्राण में तो बाहर ये विराट पुरुष का प्राण क्या अलग अलग दिशा में जाने वाले वायु उसको हो गया विराट पुरुष का प्राण। संदेह बहुल मतलब जो शरीर के मध्य अंतरिक्ष बहुत जो है ना शरीर के मध्य मध्य भाग जो होते हैं कि वो उसका हो गया मतलब बहुत मतलब विस्तीर्ण गुणवान मतलब अंबिका जो आकाश स्पेस वो हो गया उसको शरीर के मध्य भाग ठीक है ना। वस्ती एव रही है ना मतलब ये जो है वो मूत्र स्थान जल जो भी हमारा पृथ्वी का जल उसका मूत्र स्थान है वस्ती एव रही और पृथ्वी उसका पैर है पृथ्वी उसका
पैर है पृथ्वी, पादो, ठीक है ना। इस प्रकार से सात अंग हो गया। क्या क्या अंग दिखाया? मूर्धा, चक्षु, प्राण, शरीर के मध्य भाग, बस्ती देश और आपका पैर, ये सात हो गया आपका। मूर्धा, चक्षु, प्राण, शरीर के मध्य भाग और फिर संदेह बहुल ना, वैश्यानरस्य मूर्धे पशु देगा, मूर्धा, फिर चक्षु, फिर प्राण, हाँ, फिर प्राण, फिर बहुल, फिर वस्ती, फिर पृथ्वी पैर, एक दो, फिर प्राण, तीन चार पांच छह सात। यहाँ पे जो है ये एक एक हो गया आपका सर, फिर विश्वरूप चक्षु दो, प्राण हो गया तीसरा, संदेह बहुल हो गया चार, फिर वस्त्रेव रही और पृथ्वी पाद छह दिख रहा आपको। जपतांग विक्रम आचार्य अग्निहोत्र मुखत्वेन एक साथ बोलते हैं, इति अग्निहोत्र कल्पना शेषत्वेन आह्वनीय अग्निरस्य मुखत्वेन, ये जो आह्वन मुख के रूप सब करता है, मुखत्वेन उक्त इति एवं इस प्रकार से सातांग हो गया। आह्वनीय अग्नि उसका जो मुख के वर्षण रखने का सप्तांगानी यस्य स सप्तांग इति अग्निहोत्र कल्पना, जो अग्निहोत्र की कल्पना की गई है वर्षण रखने ना, उसका अग्निहोत्र की उपासक के लिए ये करना पड़ता है, विराट पुरुष को उपासना करना पड़ता है, आहुति आदि भी देते हैं, प्राणायाम से अग्निहोत्र आहुति होता है उनका, जैसे होता है अग्निहोत्र कल्पना शेष कल्पना के अंग रूप में, शेष मतलब है अंग। आह्वनीय अग्नि अस्य मुखत्वेन, आह्वनीय अग्नि क्या वस्तु है नीचे बोलेंगे, एक होता है गर्भपत्य अग्नि, एक होता है अनुहार्य पचन अग्नि, एक होता है आह्वनीय अग्नि, एक होता है दक्षिण अग्नि, ठीक है। जो घर में हमेशा बना रहता होता है गर्भपत्य अग्नि, ना ना जो हमेशा घर में बना रहता है, मंदिर भी नहीं एक जगह पे, उसको अग्नियागार होते हैं, अग्नियागार में अग्नि को उपासना किए थे हमारे उपकुशल विद्या में देखा, तो वहां पे क्या हुआ कि उसमें से आग ले करके जो सुबह शाम आहुति देते हैं वो अग्निकुंड में प्रज्वलित करते हैं, फिर वहां से आग ले करके दक्षिण पूर्व कोण में जो अपुन का रंधन चढ़ा होता है वहां पे जाकर ये हो गया आपका अनिवार्य पचन, आहार को पकाते हैं, और जब जजमान मर जाता है तो वहां से लेकर के उसको जंगल में जलाया जाता है दक्षिण दिशा में जाकर के, तो दक्षिण उसी को बोलते अग्नि के जैसे बीमार है, तो समय हो गया अब इसके बाद तो पाठ बंद। हाँ, जो कल से ये कल तो गीता जयंती है, कल ये पाठ बंद रहेगा और सुबह 7:30 बजे से हम लोग पूर्ण गीता की पाठ करेंगे यहाँ पे, आप आ पाएंगे सुन, जितना देर तक आप करते हैं और फिर जो है थोड़ा सा जो है उस दिन के लिए तो आप जानते हैं कि थोड़ा वो काली डी में जो है ना श्रृंगेरी मठ के जो स्थान है वहाँ पे थोड़ा सा पारायण की कार्यक्रम है, परंतु अधिक लोग नहीं, जो 15 व्यक्ति है यहाँ से, तो वहाँ पे थोड़ा 16, 18, 29 तारीख को फिर एक तारीख कौन सा तिथि है देखो पहले, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है हम 30 तारीख से भी पाठ शुरू करते, आगे हमको देखना पड़ेगा कि तिथि कैसा है, ठीक है, हम आके बताएंगे आपको, आने के बाद एक दिन हम जब विष्णु तीर्थ जी का पाठ में आप दे देना तभी हो जाएगा, ठीक है। ओम पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं भारत।